अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जम्मू एंड कश्मीर बैंक की जो हमने कोचिंग स्टार्ट की है उसमें आपका सिलेबस जो है, पहला रीजनिंग है, दूसरा जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स में आपको, उस मैथमेटिक्स को करने में आपको किसी फर्म बेस की जरूरत भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जो उसका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है बीएससी में, तो वो भी इस मैथमेटिक्स पोर्शन को कर सकता है। मैं आपको दिखाऊंगा आज उस सिलेबस का पहला चैप्टर, उसमें किस तरह के सवाल आते हैं और कैसे वो सवाल हम कर सकते हैं। दरअसल मैथमेटिक्स सवाल को करने के लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब ये ट्रिक क्या होती है वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगा, एंड यू विल फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। मेरे ख्याल में हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर मैथमेटिक्स सीरीज। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि इस सवाल का आप जवाब दे दो, 1, 2, 4, 9, 8 × 9, 9, 9, 9, 9, वहां पर नंबर सीरीज में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। लेकिन सवाल को आपको करना है सिर्फ 2 या 5 सेकंड्स में। इसको सवाल करने के लिए आपके पास प्रोसीजर जो है, रूल्स है, लेकिन वो लंबे चौड़े मसले हैं। तो उन इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट समझना है, बहुत ही आसान कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर करना है 7 × 9 तो कैसे 63 आता है। दरअसल आप क्या करते हो, ये वाला लेफ्ट जो है इसको माइनस करके 1 लिखो। जब 7 को माइनस करोगे 1 तो 6, तो ये आपका जवाब आ गया। लेकिन साथ में इसको लिखना है 9 − 6, दैट इज इक्वल 3, ये आपका जवाब आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास ये होगा 12 × 99, दरअसल इसका जवाब जो है वो आएगा यही। ये आप लिखो 11 यहां पर, लेकिन साथ में इसको लिखो 9 − 1 = 8, 9 − 1 = 8, 1, 1, 8, 8, आपका जवाब आ गया। ठीक इसी तरह अगर आप इस सवाल को करना चाहते हो 2 सेकंड्स में, दरअसल आपको क्या करना है, ये वाला रकम जो है इसको माइनस 1 करके आपको यहां पर लिखना है, दैट इज 1, 2, 4, 9 and 7। अब ये आपका जवाब आ गया, लेकिन साथ में इसको लिखना है 9 − 1 = 8, 9 − 2 = 7, 9 − 4 = 5, 9 − 9 = 0, 9 − 7 = 2, दिस योर आंसर। सिमिलरली अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा जो आपके बना सकते हो जहन में, जो भी आपको होगा, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, 6, 3, 4, 9, 5, 9 × 1 second times, 3rd and 4th times, दिस इज 5-digit number, इसको आपको करना है। इसका आंसर क्या आएगा शॉर्ट में, तो इसको आपको माइनस करना है 1, दैट इज इक्वल 6, 3, 4, 5, 8, तो ये आपका जवाब आ गया। लेकिन साथ में 9 − 6 दैट इज इक्वल 3, दिस इक्वल टू 6, दिस इक्वल टू 5, 9 − 5 दैट इक्वल टू 4, 9 − 8 दैट इज इक्वल टू 1, ये आपको ऐसे आप सवाल कर सकते हो। तो इसी तरह अगर आपके पास होगा 9, 9, 9, 9 का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे आप, दैट इज इक्वल टू 9, 9, 9 and 9 × 9, 9, 9 and 9, तो कैसे इसको जवाब करोगे, तो ये वाला जो है इसको माइनस 1 करके यहां पर लिखो, दैट इज 9, 9, 9, 8, यह आपका जवाब आ गया। लेकिन साथ में इसको लिखना है इधर 9 − 9 = 0, 9 − 9 = 0, 9 − 9 = 0, 9 − 8 = 1, दिस इज योर आंसर। तो नंबर सीरीज में आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसी तरह अगर आपको मैं ये कहूंगा 3 × 23 × 9, 9, 9, 9 and 9, तो यहां भी आपको शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में करना है, क्योंकि वहां पर असल में एग्जाम होता है टाइम को ही। तो दरअसल क्या करोगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर 5 × 9 है, यहां पर 2-digit number है, इसको यहां पर साथ में लिखो 3 × 0, ताकि ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब इसी रकम को यहां पर लिखो 0, 0, 0, 22, क्योंकि इसको माइनस 1 करना है। अभी आपका जवाब आ गया, लेकिन साथ में इसको ये लिखना है 9 − 0 = 9, दैट इज 9, दिस इज ऑल्सो 9, दिस ऑल्सो 9, दिस इज 7 एंड दिस इज 7, तो ये आपका जवाब आ गया 2, 2, 9, 9, 9, 7, 7। इसी तरह आपके पास बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। अगर आपको मैं ये दिखाऊंगा, ये दूसरा कंसेप्ट है, आप किसी से आप ये पूछते हो कि टाइम क्या हुआ, वो कहता है कि 12:30 बजे, यानी वो ऐसे कहता है कि 12:30, हाँ 30। या अगर मैं कहूँगा, यानी ये ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, 12 + 1/2, 12 + 1/2, तो इसको मैं कैसे मतलब मैथमेटिकली कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डिनोमिनेटर है 1, ये बनेगा 12 × 2, इट इज 24, + 1/2, इट इज इक्वल 25/2, इट इज इक्वल 12.5। इसको मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूं, इसको हम मिक्स न्यूमरल कहते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है 12 whole 1/2। दरअसल ये भी यही होता है, दरअसल ये यही होता है, इसको जब हम प्रॉपरली सॉल्व करोगे ये बनेगा 12 × 2 + 12 × 2 + 1 whole / 2, तो ये भी यही बन गया 12.5। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास ये होगा
12 होल नंबर 1 बाय 2 इनटू 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होता है, दरअसल ये 2 इसके साथ मिक्स न्यूमरल्स में होता है, जब तक ये सॉल्व हो जाएगा ये ऐसे होगा, ये होगा 12 इनटू 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2, तब जाके इसको मल्टीपल ये बनता है पूरी का 2, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तब ये बनता है दिस बिकम्स 25। तो इसी तरह अगर आपको मैं ये सवाल कहूं कि आप मुझे ये सवाल करके दे दो, 1 by 2 plus 11, 1 by 2 plus 111, 1 by 2 plus 1111, 1 by 2, तो एक सेकंड में कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो? आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये ऐसे लिख सकते हो, 2 plus 1 divided by 2 plus 11, 22 plus 1 divided by 2 plus 1, फिर इसको सॉल्व करोगे नीचे कॉमन डिनोमिनेटर आएगा, लेकिन इसको मैं एक सेकंड में ऐसे सॉल्व करता हूं। दरअसल क्या है आपको लिखना है, ये यहां पर कितने 1 है, 1 यहां पर 2 है तो लिखना 2, यहां पर 3 1s 3, यहां पर 4 1s इज 4, और प्लस करना है, इट इज 1/2 हो गया 1, 1/2 हो गया 1, तो टोटल में हो गई 2, तो इसको ऐड करना है, तो जवाब आ गया 1236। दरअसल आप कहोगे ये कैसे होता है, ये सिंपल एक तरीका है, क्या है मतलब, ये जो है यहां पर 1, आप इसको करते हो ऐड 1, आप इसको करते 111, फिर इसको करते हैं 1111, तो ये दरअसल आता है 4, ये आता है 3, ये आता है 2, ये आता है 1, तो फिर आप इसको वो 1/2 वाला जोड़ते हो, तो इस तरह से आपका ये सवाल निकल आता है। ठीक इस तरह अगर मैं आपसे ये कहूं कि बहुत सारे सवाल ऐसे भी है, अगर मैं यही कहूंगा आपसे तो ये वाला सॉल्व करो आप, 1 1/2 11 times whole 1 by 2 plus 111, 1 by 2 plus 4 times 1, it is 1 by 2 plus 5 times 1, it is 1 by 2 plus 6, 6 times 1, it is 1 by 2. तो ये सवाल भी आप बहुत ही कम समय में कर सकते हो। दरअसल क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है 1, तो यहां पर 2, तो ये इसके बदले 3, इसके बदले 4, इसके बदले 5, इसके बदले 6, तो आधा आधा हो गया 1, और फिर आधा आधा हो गई 2, फिर आधा आधा हो गया 3, इसको करना है 3 ऐड, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 9, तो इस ये जवाब आपको मिलेगा। ये भी आसान एक कंसेप्ट है, लेकिन समझना है, करना है इसको, तो आगे लेके जाएंगे, मैं आपको एक और नया क्वेश्चन दिखाता हूं जो आपको बहुत ही आसान लगेगा, एंड यू विल फाइंड इंटरेस्ट इन रीडिंग दिस मैथमेटिक्स। अगर आपसे इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, क्या बताइए 9 plus 99 प्लस 3 टाइम्स 9 प्लस 4 टाइम्स 9 5 टाइम्स 9 प्लस 6 टाइम्स 9, तो इसका ऐड क्या होगा, सम क्या होगा, शॉर्ट टाइम आपको बताना है, इसका ऐड होगा, आप यहां पर 9 को कॉमन निकालो तो अंदर रहेगा 1 क्योंकि 9 1 9, प्लस यहां पर इसके बदले रहेगा 11 क्योंकि 9 11 इज 99, प्लस यहां पर 111, कॉमन निकालने का मतलब कंसेप्ट आपको पता ही होगा, तो दिस इज 1 4 टाइम्स, दिस इज 5 टाइम्स एंड दिस इज 6 टाइम्स 1, तो दिस इज इक्वल टू 9, तो ये इसका मैंने आपको बताया इसका सम होता है 1 2 3 4 5 6, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा, तो दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस। इसी तरह अगर 99 या 9 डिजिट्स को लेकर आपको ये होगा 9 into 1/7 प्लस होगा 99 into 2/7 यानी मिक्सिंग न्यूमरल प्लस 999 into 3/7 प्लस 9999 into 4/7 प्लस 5 times 9 into 5/7, इसी तरह प्लस होगा यहां पर 9 6 times 9 है एंड 6/7, आपको वहां पर बहुत ही कम समय में इसको करना है, तो कैसे करोगे आप, तो सिंपल सी बात है, जिस तरह आपको 9 बाहर निकलने के बाद वो वाला आता है, यहां पर 9 एक है, इसको 9 को बाहर निकालो, यहां पर चूंकि एक है 1 आएगा, यहां पर 2 है 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा 4 5 6, यहां पर 6 डिजिट है तो 6 आएगा प्लस, मगर इसको करना है उसी तरह जैसे आपको 9 times 1 2 3 4 5 6 प्लस, इसको इसी तरह 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 यहां पर करना है, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7, क्योंकि कंसेप्ट है जब आपको कॉमन डिनोमिनेटर होगा तो इसका बनेगा 9 times 1 2 3 4 5 6, कॉमन डिनोमिनेटर है यहां पर 7 कॉमन में आएगा, इनको आप जमा करो तो ये आएगा 21, 7 3 21, तो आपका आंसर निकल आया 1 2 3 4 5 6, 9 मल्टीप्लाई करके प्लस 3 ये करो तो आपका
जवाब आएगा। इसी तरह दोस्तों, जब आप सोचते हो कि मैथमेटिक्स में ट्रिक्स की जरूरत होती है, ट्रिक्स दरअसल यही, आप कंसेप्ट को क्लियर करो। और एक कंसेप्ट आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास है 9 × 5 / 9 × 9 × 9 तो इसको आप सॉल्व करने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। जैसे छोटे क्लास में करते हैं, आप इसको पहले सॉल्व करते हो, दिस इज इक्वल टू 9 × 9 प्लस ऊपर वाला 5 डिवाइड बाय 9 × 9, ठीक है ना। फिर आप इसको करते हो 9 × 81 प्लस 5 होल डिवाइड बाय 9 × 9, तो फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 86, ठीक है ना। इतना टाइम करने के बाद अगर बड़ा रकम यहां पर होगा 99, यहां पर होगा 99, यहां पर होगा 999, यहां पर 999, यहां पर 999, उसको कैसे करोगे? इसी सवाल को मैं एक ट्रिक में आपको बताना चाहता हूं। दिस इज 95, हमारा इसका आंसर आ गया 86, तो इसको देखते हैं इस ट्रिक के हिसाब से कैसे आता है। दरअसल ये क्या होता है, जितने 9 यहां पर है इधर लिखो ही 9, और जितने 9 यहां पर है इसके बदले लिखो 0, तो हो गया 90। माइनस इसको करना है इन दो की डिफरेंस, 9 और 5 में डिफरेंस क्या आता है, 9 और 5 में डिफरेंस आता है 4, अब 90 को 4 करो तो 86 आएगा। ये इस तरह ये भी आ गया, यानी जितने 9 यहां 9 लिखो, जितने 9 यहां 0 लिखो, माइनस न्यूमरेटर और डिफरेंट डिनोमिनेटर की डिफरेंस है, और डिफरेंस ऐसे लिखनी है पॉजिटिव होनी चाहिए, डिनोमिनेटर तो बड़ा है, ये न्यूमरेटर छोटा है, तो 4 आएगा। इसी तरह अगर आपके पास ये होगा, मैंने ये बताना चाहा 99 होल 95 डिवाइड बाई 99 × 99, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये तो वहां बड़ा लंबा चौड़ा मसला है। तो मैंने कहा भाई इसका जो है 99 आंसर है, तो यहां पर जितने 9 है इतने 0 लिखो, माइनस यहां पर लिखो, इन दो की डिफरेंस है 99 - 95, दैट इज इक्वल टू 9900 - 4, दैट इज इक्वल टू 8896, तो ये आ गया जवाब। अब इसी तरह अगर आपके पास 3 डिजिट वाला होगा, दैट इज 999 × 993 / 999 × 999, भाई जितने यहां पर 9 है उतने 9 लिखो, 999, तो जितने यहां पर 9 है उतने 0 लिखो, तो 0 लिखो, माइनस इस और इसमें डिफरेंस आता है 6, तो जवाब आएगा 998994, तो ये आपके पास हो गया। भाई इसके बाद मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर आपके पास दूसरा एक क्वेश्चन होगा ऐसे 1/5 + 999 + 494 / 495 × 99, ये सवाल ऐसे डिजाइन हुआ होता है क्योंकि इसको जब इससे हम काटते हैं ना तो 5 निकल आता है डिनोमिनेटर में, लेकिन इसको सॉल्व करना है आपको वहां पर, तो कैसे करोगे? दरअसल इसकी सॉल्यूशन के लिए मैं आपको रूल बताना चाहता हूं, जितने यहां पर है 9 तो 9 × 99, जितने यहां पर है 9 तो उसके बदले 0 लिखो, ये इसका आंसर आएगा। ठीक इस तरह ये भी सवाल हो सकता है, 1/6 + 999 + 5993 / 5994, क्योंकि डिफरेंस 1 जब होगी इसके दरमियान डिफरेंस 1 होगी, यहां 1 होगा, यहां डिफरेंस 1 है, यहां 1 होगा, सवाल में यहां डिफरेंस 2 होगी, यहां डिफरेंस 2 होगा, वहां लिखा हुआ होगा, डिजाइन सवाल होते हैं, तो यहां पर मल्टीप्लाई में होगा, फॉर एग्जाम्पल 999, क्योंकि 999 × 6 तो ये आता है 5994, तो इसका जवाब क्या आएगा, इतने जितने यहां पर 9 है वो लिखो 999, और जितने यहां पर 9 है वो लिखो 9000, तो भाई ये सवाल आएगा। इसी तरह अगर आपके पास 7 में होगा 1/7 + 1, 2, 3, 4, तो यहां पर आएगा 6992, तो जरूरी बात होगी 6993 यहां पर आएगा, तो 999, क्योंकि 999, तो आपको इसकी जिसकी ध्यान की जरूरत नहीं है कि क्यों ये सवाल ऐसा है, सवाल डिजाइन ही होता है कि इसमें शार्ट ट्रिक्स लगते हैं हमें, तो क्या होगा इसका जवाब, तो ये वाला है 999, तो इधर जितने भी 0 है 1, 2, 3, 4, तो ये है आपका जवाब। तो होप दैट यू विल एंजॉय दिस अंडरस्टूड इट, तो आपने इसको एंजॉय किया होगा इंशाल्लाह, कोशिश मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसी नंबर सीरीज में अग्रवाल की जो बुक है, अग्रवाल जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है इसका, तो वो पूरा आपको करके दूंगा, तो आपको मैथमेटिक्स में ऐसा इंटरेस्ट लगेगा कि आप कहोगे कि हम मैथमेटिक्स से आगे जाके बढ़ेंगे, तो लेकिन यहाँ आपको जितना जरूरत है वो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। होप दैट आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी द टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।